ओलंपिक में भारत की अच्छी शुरुआत, शूटर मनु भाकर से गोल्ड मेडल की उम्मीद। अब से कुछ ही देर में मेडल के लिए उतरेंगी मनु भाकर, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में मनु भाकर ने जगह बनाई है, रमिता चंदल ने भी फाइनल में अपनी जगह बनाई है। तो वहीं 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में रमिता भी पहुंच चुकी है, पीवी सिंधु ने भी जीत के साथ अगले राउंड में जगह बनाई है। सिंधु ने रज्जा को 21-9 और 21-6 से हराया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी पेरिस ओलंपिक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रही, जहां मनु भाकर अब मेडल के लिए फाइनल में पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि भारत की अच्छी शुरुआत पेरिस ओलंपिक में देखने को मिली है, जहां शूटर मनु भाकर अब से कुछ ही देर में मेडल के लिए मैदान में उतरेंगी। 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर फाइनल में पहुंच चुकी है, रमिता चंदल ने भी फाइनल में अपनी जगह बनाई है, पीवी सिंधु भी जीत के साथ अगले राउंड में पहुंच चुकी हैं। पीवी सिंधु ने 21-9 और 21-6 से मैच जीता है। तो कुल मिलाकर पेरिस ओलंपिक में भारत की एक अच्छी शुरुआत देखने को मिली है और 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर फाइनल में पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में वो मेडल के लिए मैदान में उतरेंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि रमिता चंदल भी फाइनल में पहुंची है और उन्होंने भी अपनी फाइनल में जगह पक्की कर ली है और अब मुकाबला होगा गोल्ड मेडल के लिए। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, अब से कुछ ही देर में मेडल के लिए उतरेंगी भाकर, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। 10 मीटर एयर राइफल के लिए मनु भाकर फाइनल्स में पहुंच चुकी है, रमिता चंदल भी और इसके साथ ही पीवी सिंधु भी जीत के साथ अगले राउंड में पहुंची है। पीवी सिंधु ने 21-9 और 21-6 से बढ़त बनाई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, पेरिस ओलंपिक की शानदार शुरुआत हो चुकी है और भारत की भी एक अच्छी शुरुआत पेरिस ओलंपिक में देखने को मिली है, जहां सभी खिलाड़ी अपने अच्छे प्रदर्शन के साथ ही मैदान में उतर रहे हैं। और अब इसी बीच एक बड़ी अपडेट भी आपको दे रहे हैं पेरिस ओलंपिक से जुड़ी। दरअसल शूटर मनु भाकर से अब गोल्ड की उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है। अब से कुछ ही देर में वो मेडल के लिए उतरेंगी और 10 मीटर एयर पिस्टल के मुकाबले में वो अब गोल्ड मेडल के लिए मैदान में उतरेंगी। इसके साथ ही रमिता चंदल, उन्होंने भी फाइनल्स में अपनी जगह बना ली है, पीवी सिंधु ने भी 21-9 और 21-6 से मैच जीता है।